हाय दोस्तों मैं संदीप सहारन भौतिक विज्ञान आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप हमसे जुड़े हुए हैं लास्ट टॉपिक हमने थर्मल कॉफी कॉफिस्केंट के ऊपर डिस्कस किया आज हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर बात करना चाहेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी इंपॉर्टेंट और काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्या है इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे देखिए एक शब्द चलता है हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी को हम हीट प्रोवाइड करें और हीट प्रोवाइड करने से उसके टेम्परेचर में राइज हो ध्यान रखना एक हमारा ये कोई डिवाइस है या सिस्टम कह लो ये एक हमारा सिस्टम है दैट इज़ सिस्टम वी प्रोवाइड हीट टू इट हीट एनर्जी देन इट्स टेम्परेचर चेंज टेम्परेचर चेंज So, to increase the temperature of a given system, we must provide the heat energy. If this amount of required heat depend upon the following factor, this heat energy required to the system depends on the following factor. First, amount of substance, amount of substance. Second, nature of substance.

और तीसरी इस बात पे डिपेंड करेंगे कि उस हमारा जो सब्सटेंस लिया उसकी नेचर कैसी है तो ध्यान रखना है कि जो भी हीट हमने प्रोवाइड की है इसको इसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए वो हीट कैपेसिटी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है ये ये हीट कैपेसिटी है हीट कैपेसिटी क्या होगी कि ध्यान रखना है कि इसका टेम्परेचर राइज करना है जितनी हीट प्रोवाइड की उसको मेजर करेंगे मेजर्ड क्वांटिटी है ये उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं हीट कैपेसिटी मतलब इट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस अब इसको हम किस तरीके से जानेंगे हम ऐसे जान सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा सिस्टम था इसको हमने डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड की हीट गिवन टू सिस्टम और टू सबस्टेंस और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर तो जो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया डेल्टा क्यू प्रोपोर्सनल टू डेल्टा टी और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस डेल्टा ऑफ टी और एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ऑफ टी ये जो s है इसका नाम है हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज़ द टेंपरेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस इज नोन एज द हीट कैपेसिटी लेकिन यहां से हमें ध्यान रखना है कि टेंपरेचर जो है हमारा वो उसकी यूनिट टेंपरेचर की सब जानते हैं यूनिट टेंपरेचर की यूनिट क्या होती है यहां 1 डिग्री केल्विन कह लो और एक डिग्री सेल्सियस जो भी आपको टेम्परेचर राइज करना है उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और इसकी अगर देखें, तो क्या बन जाएगी हमारी देखो एक तो हो गया फॉर्मूला फॉर्मूला इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी और यूनिट की बात चले डेल्टा क्यू एनर्जी है तो जूल और पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस डायमेंशन फॉर्मूले की बात चले वर्कडन की या एनर्जी की होती है एम वन एल टू टी माइनस टू और कैलविन डायमेंशन फॉर्मूला है इस ये हीट कैपेसिटी है अभी ध्यान देना हमने स्पेसिफिक हीट की बात नहीं की स्पेसिफिक हीट की हम अब बात करेंगे जैसे ही हीट कैपेसिटी आई तो ये कहता है कि ये जो हीट कैपेसिटी है ये कंक्लूजन निकला कि ये हीट कैपेसिटी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है अब ध्यान रखना हम हीट कैपेसिटी से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तरफ मोमेंट करेंगे इस को समझना। बहुत सारे बच्चे क्या होता है वो इस चीज को लेके कंफ्यूज है कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट सेम है हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी क्या थी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी अब क्या देखा एक सब्सटेंस ये लिया ए एक सब्सटेंस हमने बी लिया एक सब्सटेंस हमने सी लिया इन सबको भी डेल्टा क्यू हीट की इसको भी डेल्टा क्यू और इसको भी डेल्टा क्यू इक्वल हीट गिवन टू ऑल दिस सिस्टम इट इज ऑब्जर्व दर टेम्परेचर चेंज इज डेल्टा वन हेयर टेम्परेचर चेंज इज डेल्टा टू एंड हेयर टेम्परेचर इज डेल्टा थ्री मेन if equal amount of heat energy given to this different system then change in temperature also different for individual system it means that here mass also involved it means that mass yeah, amount of mass amount of mass of system also affect this energy अगर मास ऑफ सिस्टम अफेक्ट करता है तो पर यूनिट मास पे निकाल लें इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर सेम इक्वल मास पे हमने ये किया तो अलग अलग अमाउंट आई तो हम क्या करें यूनिट मास के लिए निकाल लें अब इसका भी मास सेम है एम वन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम थ्री सेम हीट इक्वल मास के सब्सटेंस को दी तो उनके टेम्परेचर डिफरेंट हुए तो हम क्या करें हर एक ऑब्जेक्ट के पर यूनिट मास पे वैल्यू निकाल लीजिए वो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास पर यूनिट मास दोनों में अंतर देख लेना स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी का मतलब अमाउंट ऑफ हीट given to the system to rise its temperature delta t or one degree specific heat amount of heat required to rise the temperature per unit mass it is represented by small s that is equal to delta q upon m into delta of t this is the formula for specific heat and this is capital s this is heat capacity unit here unit is joule per kelvin एंड हेयर यूनिट इज पर कैलवीन पर किलोग्राम क्योंकि मास का भी रोल है और हम अगर इसकी बड़ी यूनिट लें तो किलोग्राम में ले लें छोटी यूनिट लेना चाहें तो ग्राम में भी ले सकते डायमेंशन formula dimension डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ मास का एक्स्ट्रा हो जाएगा इसका पहले इसका निकाल लो एम वन एल टू t 2 k 1 इसमें क्या हो गया मास से डिवाइड करो तो m कैंसिल इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m 0 l 2 t 2 k 1 ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा तो दोनों में अंतर समझ में आया हीट कैपेसिटी इज नॉट द स्पेसिफिक हीट बोथ आर डिफरेंट हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हैव द डिफरेंस इट इज द हीट गिवन टू राइज़ द टेंपरेचर ऑफ एनी मास ऑफ सब्सटेंस एंड इट इज the amount of heat required to raise the temperature for one unit mass. This is the basic difference. So, specific heat and heat capacity, now we discuss about the heat capacity and these are of two types. We increase temperature of the given substance in two way. first at constant, constant pressure second at constant volume it means that it means that we take the system this is the system and here we give the heat given to the system it's Temperature delta T increases. If we provide the heat to the system, its temperature increases at two conditions. First, we kept its pressure remain constant. This is represented by at constant pressure and, and constant volume. We can write these specific heat at constant pressure and volume is we can say that C P or SP. This can be written as Cp, and this can be written as C V. We write the definition amount of heat required to raise the temperature of one gram of substance or, or one kilogram of substance to rise its temperature one degree Kelvin or one degree Celsius at constant pressure is Cp and at constant volume is C V. Generally, it is obtained that Cp greater than. CV because if pressure is constant, it means that some extra amount given to the some extra amount of heat given to the system to rise its internal energy or to spend its internal energy. But in case of volume, there is no need of extra amount of heat to rise its internal energy. So.

if we take mass in mole mole then this name as molar specific specific heat at constant pressure one is this, and other is molar specific heat at constant volume. These are two different things. Only difference is that in case of these, mass is taken in gram or kilogram, but if we take the substance as one mole, mean. To rise the temperature of the substance, to rise the temperature of substance one degree by giving some extra amount of heat is called molar specific heat if substance is one mole. Here, one mole substance, substance used. This is the basic difference.

At constant pressure, this is specific heat. At constant volume, and R is the gas constant. Gas constant. It has different value. Its value is 8.3 at in case of joule per kilogram, and in case of a calorie, its value is 2. Some important terms related to the specific heat as specific heat capacity can have value from 0 to infinity i will write here some important things related to specific heat capacity first first is specific ha heat have the value from 0 to infinity it also it also has negative value. it also has negative value. first condition is some material have high specific heat and some material have the low specific heat. it means that in case of solid, in case of liquid, in case of gas, they all have different specific heat value. Water has maximum specific heat, specific heat. So it is used as the moderator, oh, coolant, act as the coolant in. रेडिएटर रेडिएटर ऑफ वाहकल आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हमारे वहीकल होते हैं उसके रेडिएटर में हम पानी डालते हैं उसमें पानी डालने का सिंपल सा मीनिंग यही है कि इसकी जो हिट कैपेसिटी होती है वो स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी है पानी की वो मैक्सिमम होती है इसलिए ये हॉट वाटर बैग वगैरह है उनमें भी इसका यूज करते हैं हम एक ये ध्यान रखना है कि इसकी हाई कैपेसिटी का एक बेनिफिट क्या है इसकी हाई पानी जो होता है इसकी हाई हीट कैपेसिटी का ये फायदा है कि समर वेकेशन में समर डे में एक आपका वाटर सरफेस हो और एक आपका लैंड सरफेस हो इन दोनों सरफेस में ये हॉट होगा जल्दी और ये इसके कंपैरिजन में कोल्ड रहता है क्यों रहता है क्योंकि ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्व करेगा इसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए हमें सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट अगर प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है और ये जल्दी से गर्म नहीं होगा एक बात और ध्यान रखना एक बात यह है कि स्पेसिफिक हीट है किसी भी मटेरियल की वो उसकी स्टेट पे भी डिपेंड करती है कि वो आपका स्टेट का मतलब है कि वो सॉलिड स्टेट में है वो लिक्विड स्टेट में है या गैसिय स्टेट में है इस बात पे भी वो डिपेंड करेगी उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक है किसी भी मटेरियल की वो एक चीज ये ध्यान रखना है कि कोई भी मटेरियल है उसकी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है और ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी होती है स्पेसिफिक हीट देखेंगे तो ये क्या होती है ये किसी मटेरियल की होती है अगर ऑब्जेक्ट की बात करोगे उसकी हीट कैपेसिटी होती है हीट कैपेसिटी में हम पर यूनिट मास को काउंटर नहीं करते इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है एक ये बात ध्यान रखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हीट कैपेसिटी होती है हमारी क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये ये वाली है इसके कंपैरिजन में जो हमारी हीट कैपेसिटी है ये मास के प्रोपोर्शनल होती है टू मास क्यों क्योंकि इसके केस में तो पर यूनिट मास ले लिया इसमें एक यूनिट मास की वैल्यू है अगर मास की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी और मास की वैल्यू अगर कम लेंगे स्मॉल अमाउंट में मास लेंगे तो हीट कैपेसिटी कम हो जाएगी ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है ये बात भी हमें ध्यान रखनी है तो ये हमारी कुछ हीट कैपेसिटी से रिलेटेड बातें थी अब हम देखते हैं चीज है काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये भी समझने की कि ये कौन सी एनर्जी है ये क्या होती है कि मान लीजिए ये हमारा एक सॉलिड है आइस इसका एग्जाम्पल ले लिया हमने इधर हमारा लिक्विड है जिसको हम वॉटर कह देंगे और ये आपका गैस वेपर गैस स्टेट कह दिया हमने ये सारी क्या है स्टेट ऑफ मैटर है क्या चीजें हैं ये स्टेट ऑफ मैटर यानी मैटर की तीन स्टेट है सॉलिड लिक्विड और गैस अब सॉलिड से अगर लिक्विड जाना है आइस को मेल्ट होना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और वाटर से अगर वेपर पे जाना है तो भी कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अगर वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना चाहता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी यानी हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टेट ऑफ डिफरेंट टाइप सॉलिड इनटू लिक्विड लिक्विड इनटू गैस एंड सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट और गैस डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी बट कंडीशन इज आइस And water. This is ice वॉटर दिस इज आइस आइस मेल्ट इन टू वॉटर ड्यूरिंग state, स्टेट यानी change in स्टेट की कंडीशन है कंडीशन में टेम्परेचर जो आपका है वो चेंज नहीं होगा टेम्परेचर में वेरिएशन जीरो है लेकिन आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे डेल्टा क्यू क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि जब

इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता ऐसे ही लिक्विड और गैस जब आपस में कन्वर्ट होते हैं लिक्विड से गैस में स्टेट चेंज होती है तो वो हीट एनर्जी भी इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं इसमें इसलिए चेंज ऑफ स्टेट होती है ये आइसोथर्मल होती है आइसोथर्मल का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर जीरो तो हमें लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आया लेटेंट हीट क्या है अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम या गिवन टू द स्टेट ऑफ मैटर दैट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर मीन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज द लेटेंट हीट दिस इज ऑफ डिफरेंट टाइप इफ सॉलिड आइस कन्वर्ट इनटू वाटर दिस एनर्जी दिस लेटेंट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हीट ऑफ फ्यूजन mean latent heat of fusion mean amount of heat required to convert a solid of unit mass from solid liquid solid to liquid state when temperature remain constant and this is the latent heat mean amount of this amount of heat given to the solid it convert into water solid and water both are in thermal equilibrium very important is yeah थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन है थर्मल इक्विलिब्रियम और इस समय जो एनर्जी प्रोवाइड की उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं वॉट आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है 80 कैलोरी होती है इतनी होती है 80 कैलोरी पर अगर आप इसकी पूरी यूनिट लिखें तो पर ग्राम होती है पर ग्राम ये इसकी यूनिट होती है अब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ ये कन्वर्जन है यहां हमने लिक्विड लिया ये हमने गैस लिया अब कोई भी हमारा वाटर था ये गैस में कन्वर्ट हुआ वेपर में कन्वर्ट हुआ इधर तो यहां भी हमने हीट प्रोवाइड की है ये हीट इसकी इंटरनल एनर्जी को राइज़ करेगी लेकिन ये भी आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस का मीनिंग हुआ कि हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो एनर्जी इसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगी वो एनर्जी क्या करेगी इसकी स्टेट को चेंज करेगी और यहाँ जो लैटेंट हीट होती है लैटेंट हीट यहाँ हमारी फ्यूजन थी तो इस जगह की जो हीट होती है उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं या हीट ऑफ बॉइलिंग भी बोलते हैं यहाँ जो हमारी हीट है इसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहां जो केस आएगा उसको बोलते हैं एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वेपराइजेशन कह लो और बॉइलिंग भी बोल देते हैं कई जगह पे इसको कई टीचर इसको लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग भी बोल देते हैं एक स्टेट और चेंज होती है हमारी कि ये सॉलिड है हमारा ये सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए यानी इंटरमीडिएट स्टेट में चेंज नहीं होना यानी यहां से यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन है यानी स्टेट बदल गई ये डायरेक्ट यहां जो हीट दी हमने ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है ध्यान रखना जब हम सॉलिड से गैस में कन्वर्जन करते हैं तो इस हीट को हीट ऑफ सबलिमेशन बोलते हैं क्या नाम होता है हीट ऑफ Into the state. इसको heat of बोलते हैं अब आपको यहां ध्यान रखना है एक तो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके बीच में जो ग्राफ बनते हैं उनको आइसोथर्म्स बोलते हैं क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इस स्टेट में दूसरी चीज है कि जो यहां आती है हमारी लिक्विड से गैस में जो हीट आती है पानी के लिए अगर हम ये वाटर के लिए पढ़े तो 540 कैलोरी पर ग्राम होती है ये दो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट है उस सब्लिमेशन का कोई एग्जाम्पल देखना हो कपूर है ड्राई आइस है ड्राई आइस जिसको हम CO2 बोलते हैं CO2 ड्राई आइस होती है जब भी इसको आप रखेंगे हीट एब्जॉर्ब करेगी और ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो इस तरह की हमें चीजें देखनी है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए ये लगभग हमने 540 लिखी है लेकिन अगर इसका एग्जैक्ट डाटा कहीं आपको 536 लिखा मिले तो भी सही है क्योंकि कई किताबें इसमें 536 भी लिख देती हैं, तो घबराना नहीं है लगभग वैल्यू 540 है हम इसको लेके चलते हैं एक चीज और चलती है कि कुछ ग्राफ होते हैं हमारे पास वो ग्राफ क्या होते हैं जो आपके हीटिंग कर्व बोलते हैं जिसको वो हीटिंग कर्व कैसे होते हैं वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कैसा ग्राफ बनता है इनके बीच में लेट हीट का जिसको हम क्या नाम लेते हैं हीटिंग हीटिंग का मतलब है स्टेट कैसे चेंज हुई है हमारी हम इस तरीके से चेंज करते हैं ये ग्राफ लिया हमने जैसे ही ग्राफ लिया तो आपकी स्टेट चेंज होंगी डिफरेंट डिफरेंट और वो स्टेट किस तरीके से चेंज होती है हम टाइम और टेम्परेचर की वेरिएशन को इसमें देखना चाहते हैं हम टाइम लिया इधर टाइम और इधर हमने टेम्परेचर लिया टेम्परेचर जीरो से चले एक स्टेट यहां है आपकी यहां तक है ये रीजन जो है आपका ये सॉलिड का रीजन है यहां आपको क्या मिलेगा सॉलिड स्टेट मिलेगी फिर क्या हुआ यहां इस हीट पे आते ही इस टेम्परेचर पे जीरो डिग्री पे आते ही ये क्या हो गया ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा और यहाँ आप देख रहे हैं जब तक ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता तब तक इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है फिर इसकी स्टेट चेंज होगी मान लीजिए यहां जाके ये इक्ली में आएगा दूसरे स्टेट में ये जो स्टेट है ये आपकी लिक्विड की है यहाँ टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री है इसके बाद आप देखोगे जब यहाँ ये कंप्लीट यहाँ फिर आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है बॉइलिंग की कंडीशन है ये और यहाँ से फिर ये किस में बदल जाएगा आपका गैसीय स्टेट में बदल जाएगा तो आप देख रहे हैं कैसे टाइम के साथ इसका वेरिएशन है ये पॉइंट देखोगे यहां से ओ ए बी सी डी और ई e, इतनी स्टेज है ए बी पे देखा आपने टेम्परेचर कांस्टेंट है टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है दूसरा आपने सी से डी करो देखा सी से डी पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी ये दो ऐसी लाइनें हैं जहां यानी यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही इस टेम्परेचर पे गया तो सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा जब तक ये पूरा कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा वो मैंने जिक्र कर दिया कि ये हीट जाती कहाँ है ये जो आपका सॉलिड आइस है उसकी इंटरनल एनर्जी को राइज करके उसको मेल्ट करती है तो इसलिए इन इस पॉइंट का नाम हम मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं इस पॉइंट का नाम क्या हो गया मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट है ये। और ये जो आपका है ये बॉइलिंग पॉइंट है पॉइंट। यहां से यहां भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है इनको बोलते हैं हम हीटिंग कर्व तो ये आपको ध्यान रखना है हीटिंग करो क्या होते हैं और इनमें कौन कौन सी प्रोसेस हुई है प्रोसेस भी देखे तो सॉलिड से लिक्विड में जो प्रोसेस कन्वर्ट होती है इसको फ्यूजन बोलते हैं फ्यूजन और ये जो प्रोसेस है इसको बॉइलिंग बोलते हैं बॉइलिंग हुआ यहाँ यानी यहाँ लिक्विड बॉयल होके गैस में कन्वर्ट हुआ यहाँ सॉलिड फ्यूज होके आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है तो इस तरह के करो हम आसानी से बना सकते हैं इनको हम हीट करो बोलते हैं और आप देखेंगे कि जो हमारा डी से ई का करो बना है यहाँ पर आपका जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा आपका वेपर में कन्वर्ट होता चला जाएगा तो ये हम देख रहे थे कि कैसे स्टेट चेंज होती है किस तरह के इनमें हिटिंग कर बनते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसके नोट्स में पीडीएफ में फॉर्म में जल्दी ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहां से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं आपको अगर ये हमारा अच्छा चैनल लगता है और आपको लगता है कि आपके अनुकूल समझ में भी आता है आपको तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम बच्चों का बेनिफिट हो सके तो मैं संदीप सारण व्याख्याता भौतिक विज्ञान उन्हें एक बार आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी प्रकार टॉपिक वाइज हर चैप्टर के वीडियो लेके आएंगे ताकि आप एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें सारे टॉपिक कवर कर सकें धन्यवाद